नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर महेश आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो पे दोस्तों आज हम बात करेंगे फूट अल्सर और गैंगनिंग के बारे में अब इसको कैसे ठीक कर सकते हो कौन सा मेडिसिन कौन सा पोटेंशियल आप लोगे ये इस वीडियो में बताऊंगा अगर आपको ये प्रॉब्लम है आप बहुत सारा मेडिसिन यूज़ करते हो और ऑपरेशन भी करवा चुके हो बहुत बार फिर भी आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है तो मेरे बताए हुए मेडिसिन आप यूज़ करो आपको हंड्रेड बेनिफिट्स मिलेगा आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा दोस्तों तो ये प्रॉब्लम होता क्यों है पहले बता देता हूँ अगर आप कहीं पर गिर गए कट गए और आपका घाव बिल्कुल ठीक नहीं हुआ वो धीरे धीरे काला होता जा रहा है पास निकलते जा रहा है तो ये भी कॉज हो सकता है अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको कहीं पे लग गया कट गया या तो एक्सीडेंट हो गया और आप कहीं पे गिर गया लग गया कट गया या तो आपको एक्सीडेंट हो गया उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम हुआ या तो आपके पैरों के अंदर या हाथों में कौन है उसको काट दिया या फाट फट गया या तो आपको उसको ज़बरदस्ती निकाल दिया और उस वजह से उस जगह में घाव हो चुका है मतलब गैंग्रीन हो चुका है और वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है बहुत सारा मेडिसिन ले रहे हो तो भी आप ये सब मेडिसिन यूज़ कर सकते ये भी एक कॉज है अब दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन पर जाने से पहले एक लीटर गर्म पानी में थोड़ा दो पिंच नमक डाल के उसको अच्छे से घोल के जहाँ पर आपको गैंग्रीन है उसको अच्छे से साफ़ करिए उसके बाद होम्योपैथी एक मेडिसिन आता है कैलेंडूला मादा टिंचर इसका थोड़ा रुई में लगा कुछ जगह पे आप अच्छे से लगा दीजिए कैलेंडुला इससे आपका घाव जल्दी सूखना स्टार्ट हो जाएगा अब आते हैं मेडिसिन पे हमारा पहला एंड बेस्ट मेडिसिन है आर्सनिक एल्बम सिक्स एच आप दूसरे प्रोटेंशियल में इसको ना लें थर्टी सिक्स प्रोटेंशियल में भी ना लें सिक्स एच प्रोटेंशियल में ही आपको बहुत अच्छा फायदा देगा इसका दो दो डॉक्टर डायट आपको टांग पर लेना है दिन में दो से तीन बार आपको अच्छा फायदा मिलेगा इसके साथ साथ आपको कार्बोहेज थर्टी दिन में दो से तीन बार डायट आपको टांग पर लेना है आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा कार्बोहाइज जो है गैंगन को बहुत ज़्यादा ठीक करने में मदद करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पास आ रहा है बिल्कुल सूख नहीं रहा है आप बांध के रखते हो तो भी कपड़ा बिल्कुल भीग जाता है उस सिचुएशन में मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगा इसका दो ड्रॉप आपको डायरेक्ट टांग पर लेना है दिन में दो से तीन बार आप आते हैं उन पेशेंट में खास करके डायबिटिक पेशेंट में जिनके प्रॉब्लम हाथों में पैरों में हुआ है और गैंगन की वजह से इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है पेशेंट जो है उसको भी बदबू आ रहा है नाक पे और जो लोग घर पे है वो भी बिल्कुल रह नहीं पा रहे हैं बहुत ज़्यादा बद के खराब बदबू आता है उसके कैंगन से उस सिचुएशन में आपको दो मेडिसिन लेना है कोट्रेलास थर्टी सिक्स एंड क्रियोजोटम थर्टी सिक्स ये दो मेडिसिन थर्टी सिक्स पोटेंशियम में दस दस मिनट के गैप पर रख के दिन में दो से तीन बार आपको डायरेक्ट टांग पर लेना है या तो पानी मिला के आपको पीना है धीरे धीरे जो बदबू आ रहा था तो धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा और घाव भी धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा इसके बाद एक और मेडिसिन बताऊँ एंथ्रासिनम थर्टी सी एच जिनके घाव काला हो चुका है पास आ रहा है उनके लिए एंथ्रासिनम बहुत अच्छा काम करेगा इसका थर्टी सिक्स प्रोटेंशन में दिन में दो से दिन में डायरेक्ट आप टे लीजिए दो ड्रप करके आपको अच्छा बेनिफिट्स मिलेगा इसके बाद भी होम्योपैथी में बहुत सारा मेडिसिन अवेलेबल है साइलेशिया है हीपर सल्पर है टेरेंटूला है बहुत सारा मेडिसिन है आप उनको भी ले सकते हैं आपको सिम्टम्स के हिसाब से लेकिन जो ये चार पांच मेडिसिन मैंने बताया बेस्ट मेडिसिन है आप इनको लीजिए और कंटिन्यू कीजिए एक दिन दो दिन में ठीक होने वाला चीज़ नहीं है आपको टाइम लगे एक महीना दो महीना तीन महीना छः महीना आठ महीना भी लग सकते हैं आपको मेडिसिन कंटिन्यू करना है आपका जो गैंग्रीन है धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा और आप धीरे धीरे बिल्कुल क्योर हो जाओगे मेरा बहुत सारे पेशेंट्स हैं सात आठ महीना एक साल डेढ़ साल तक यूज़ करने के बाद बिल्कुल क्योर हो चुका है उनका जो घाव है बिल्कुल ठीक हो चुका है तो आप भी ये मेडिसिन यूज़ करो आप भी इस मेडिसिन से आपका गैंग्रीन ठीक कर सकते हो तो इस सब मेडिसिन का फायदा उठा दोस्तों मिलते हैं न्यू वीडियो में टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी